हाय एवरीवन, सो वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। सो जो इस चैनल पे ऑलरेडी इस फैमिली का एक पार्ट है, सो वेलकम बैक टू आवर चैनल। एंड बस लीना रहना शुरू है मैं नंबर वाला होस्ट लीना सदर वाला होस्ट है केदार वीन है कोई भी यूज। सो इन टुडेस वीडियो आई विल बी टॉकिंग अबाउट माय लिपस्टिक कलेक्शन। सो आज हम लिपस्टिक कलेक्शन की बात करेंगे। और जहाँ पर भी लिपस्टिक कलेक्शन का बात आता है, यू नो हर लड़की के चेहरे पे ना अलग ही लुक ग्लो आ जाता है, अलग ही। अब देखो यार, मुझे ये लिपस्टिक का ये जो कीड़ा है ना, वो अभी अभी घुसा है। पहले मुझे लिपस्टिक्स का बिल्कुल भी शौक नहीं था। आई यूज टू बी ना वेरी सिंपल, लाइक जस्ट पुट ऑन द काजल एंड दैट्स इट। मतलब काजल लगा लो एंड हो गया। मतलब बहुत सारी गर्ल्स उनसे रिलेट कर पाएंगी। तो पहले मेरे लिए सिर्फ यही था कि काजल लगा लो और हो गया। लेकिन उसके बाद में जब लिपस्टिक की एंट्री हुई, द होल सिनेरियो चेंज्ड। और अब ऐसा होता है कि काजल तो ठीक है, मतलब काजल भी है एक पार्ट, लेकिन लिपस्टिक जब तक ना लगाओ तब तक यू नो ग्लो ही नहीं आता। नाउ अब मेरी जैसी लड़कियां जिन्होंने मेकअप को यू नो मैंने मेकअप शादी के बाद शुरू किया है, तो मेरी जैसी लड़कियां जो पहले मेकअप यूज़ ही नहीं करती थी, सो यू नो मैं मेकअप पहले यूज़ कब करती थी, लाइक अगर किसी की बर्थडे पार्टी हो, किसी की शादी हो, तो मैं बस तभी यूज़ करती थी, वरना मैं मेकअप ही यूज़ नहीं करती थी। एंड मुझे याद है मैं अपनी एक बहन की शादी थी एंड मैंने काजल लगाया एंड दैट सेट मैं चली गई। और अब मैं वो फोटो देखती हूँ ना, आई वॉज लाइक अरे मत देखो मेरा ही ये वीडियो, मेरे को नहीं देखना यार, मेरे को नहीं देखना। यू नो सारे पिक्चर ऐसा क्लिक कर करके भेजते हैं, यार ये देख कैसी लग रही है, देख कैसी लग रही है। अरे भाई नहीं आता था मेकअप, ही नहीं आता था तब करना। तो ठीक है, पुरानी बातें मिट्टी पाओ। और ये तो आपने सुना ही होगा कि काजल बिंदी और लिपस्टिक एक तरफ और बाकी सारा मेकअप एक तरफ। सो तो देखो यार, बहुत बकबक कर ली, बहुत ठीक है। अब उस मेन वीडियो की तरफ चलते हैं जिसके लिए हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं, मैं बनाने के लिए और आप देखने के लिए। तो क्वाइट क्लियर फ्रॉम टुडेज थंबनेल कि ये कंप्लीट लिपस्टिक के रिगार्डिंग एक डेडिकेटेड वीडियो है। मैं कौन सी लिपस्टिक्स यूज़ करती हूँ, ऑब्वियसली मैं डेली यूज में कोई भी लिपस्टिक यूज़ नहीं करती हूँ। मैं कुछ भी लाइक बोरोलिन लगा लेती हूँ, दैट्स इट। ऑब्वियसली सब ऐसे ही करते हैं, घर में कौन लिपस्टिक लगाते हैं यार, ठीक है। सो जो मैं भी फ्रीक्वेंटली जो लिपस्टिक्स यूज़ करती हूँ, मैं आज आपको उन लिपस्टिक्स का वीडियो दिखाऊंगी। मेरे पास क्योंकि बहुत ज़्यादा लिपस्टिक्स का कलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि मैंने अभी यू नो शादी को बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ है एंड मैंने तब से ही लिपस्टिक कलेक्ट करना शुरू किया है। अदरवाइज़ मैं यू नो मैंने आपको कहा था कि मैं यूज़ नहीं करती थी, मेरे पास गिन के एक दो लिपस्टिक्स होंगी पहले, और वो भी वो यू नो उसकी क्या नाम था, उसका नाम भी याद नहीं आ रहा, पता नहीं, L18 समथिंग की कुछ थी। तो या जो अब कलेक्शन मैंने बनाना शुरू किया है, और जो भी कलेक्शन है आई एम जस्ट लविंग इट, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। सो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। ऑल राइट, सो मैं यहाँ पे आज आपको दिखाने वाली हूँ कुछ 12-13 लिपस्टिक्स। मैं ये नहीं कहूँगी कि ये कम है, मैं ये भी नहीं कहूँगी कि ये ज़्यादा है, बिकॉज हम लड़कियों के लिए मोर इज ऑलवेज लेस। क्या करो गर्ल्स जो रिलेट करती है, हाई फाइव। ऑल राइट, सो मेरे इस कलेक्शन में आपको एकदम चटाकेदार से यू नो लिपस्टिक कलेक्शन में एकदम चटक रंग से एकदम यू नो न्यूड शेड वो भी मिल जाएगा। हालांकि कुछ वो 12-13 लिपस्टिक्स में ही मुझे डार्क कलर्स का बहुत ज़्यादा शौक है। अभी भी आप देख सकते हैं मैंने ऐसा डार्क कलर लगा रखे हैं। न्यूड शेड्स मेरे को इतने ज़्यादा मतलब हाँ ट्रेंड में है, लेकिन पर्सनली मुझे मेरे लिप्स पे इतने ज़्यादा अच्छे नहीं लगते, मुझे अपने फेस पे इतने ज़्यादा अच्छे नहीं लगते, तो वो कब ही मिलेंगे, लेकिन मिलेंगे ज़रूर। ऑल राइट, सो शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो जो है मेरा लिपस्टिक कलेक्शन। सो या लेट्स गेट इनटू द वीडियो। ऑल राइट, सो जो फर्स्ट लिपस्टिक है वो है लैक्मे एब्सोल्यूट की ये लिपस्टिक। ऑल राइट, सो ये लिपस्टिक है लैक्मे एब्सोल्यूट मेट अल्टीमेट लिप कलर विद आर्गन ऑयल, और ये कलर है
शेड है सिंफुल चेरी, और मैं साइड में यहाँ पे पिक्चर लगा दूंगी उसकी। तो मैंने अभी जो लिपस्टिक यूज़ कर रखी है ये वही लिपस्टिक है, एंड आप देख सकते हैं इसका शेड कितना ज़्यादा प्यारा है। मतलब मुझे पर्सनली इसका शेड बहुत ज़्यादा पसंद है, ट्रेडिशनल्स के ऊपर अच्छे से जाएगा। मैंने वेस्टर्न पहन रखा है और जीन्स शर्ट पहन रखी है, टी शर्ट पहन रखी है, परफेक्टली जा रहा है। सो येस, गो टू शेड बहुत ज़्यादा अच्छा है। एंड या प्राइस भी मैं आपको मेंशन कर दूंगी यहाँ पे, और जो मैंने जिसने उसको लिया था। सो या, सो चलते हैं नेक्स्ट लिपस्टिक की तरफ। ओके, सो इसकी खास बात ये है कि ये लिप्स को बिल्कुल भी ड्राई नहीं करता है। यू नो, बहुत सारे लिपस्टिक्स में यहाँ पे पपड़ी उतरने लग जाती है, तो ये इसके साथ बिल्कुल भी नहीं होता है। हाइड्रेटेड, नो मेरे को अभी भी ऐसा लिप्स अपना मॉइस्चराइज लग रहा है, ऐसा नहीं लग रहा है ये उसका मॉइस्चर ख़त्म कर रहा है। सो येस, और ऑब्वियसली बात है ब्राइट कलर है, तो चेहरा भी आप देख सकते हो कितना ज़्यादा खिल कर आया है। ऑब्वियसली मेकअप यूज़ किया, लेकिन अच्छे तो लग रही हूँ। सो मेरे लिए तो ये गो टू शेड है। अगर आपके पास ये नहीं है तो मेरे हिसाब से आपके पास होना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्यारा शेड है। ऑल राइट, सो जो नेक्स्ट लिप शेड है वो है मेबेलिन न्यूयॉर्क का शेड नंबर 657 न्यूड न्यूएंस, ऐसा करके लिप शेड है। सो ये थोड़ा ना ब्राउनिश सा शेड है, ऐसा कुछ। इसमें कैमरे में आपको थोड़ा सा लाइट दिख रहा होगा, बस ऐसा कुछ शेड है, तो इसे थोड़ा सा डार्क। सो ये मैं यू नो, बहुत कम यूज़ करती हूँ, बिकॉज मेरे को अपने चेहरे पर डार्क कलर्स ऐसे ज़्यादा पसंद है, न्यूड शेड ज़्यादा पसंद नहीं है। सो अच्छी है ये, लेकिन ये ट्रांसफ़र प्रूफ नहीं है। मतलब जब बहुत जल्दी ट्रांसफ़र हो जाती है, तो मेरे को पर्सनली जब से मैंने और ट्रांसफ़र प्रूफ लिपस्टिक यूज़ करना शुरू किया, उसके बाद से मैं उसको बहुत कम यूज़ करती हूँ। हाँ, अगर किसी के साथ बहुत ज़्यादा ही जा रही है तो आई विल यूज़ इट। ओके, सो जो नेक्स्ट शेड है वो है कलर बॉक्स की लिपस्टिक है। ऑफ कोर्स ट्रांसफरेबल है, ट्रांसफर होती है, लेकिन इसका शेड ना थोड़ा ऑरेंजिश सा शेड है इसका। सो मैं इसको कभी भी खुद अकेले यूज नहीं करती हूँ, मैं इसको एक दूसरे लिपस्टिक के साथ यूज करती हूँ, जो मैं इसके बाद में दिखाऊंगी। ऑल राइट, तो जो मैंने आपको दिखाया था सेकंड नंबर लिपस्टिक, तो वो मैं जिसके साथ यूज़ करती हूँ वो है ये लिपस्टिक। अच्छा, ये लिपस्टिक ना पता नहीं मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है, इतना प्यारा शेड निकल कर आता है ना इसका। सो ये ना टूट गई है थोड़ी सी, लेकिन मैं स्वॉच करके दिखा देती हूँ आपको। मतलब बहुत प्यारा शेड है, बहुत ज़्यादा। सो ये है लैक्मे एब्सोल्यूट की कुछ CR6 ऐसे करके कोई लिपस्टिक है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं इसको और इसको साथ में यूज़ करती हूँ, एंड बहुत ही अमेजिंग शेड है, मुझे बहुत ही ज़्यादा। सो चलते हैं नेक्स्ट लिपस्टिक की तरफ। ऑल राइट, सो जो हमारी नेक्स्ट लिपस्टिक है वो भी है मेबेलिन न्यूयॉर्क की, एंड ये है शेड 507 एलिमेंट पिंक। सो इसका हम देखते हैं, ये भी ना कुछ कुछ ब्राउन जैसी ही है, थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा पिंकिश वैसा शेड है, लेकिन मेरे को वैसे ही लगती है। सो यस, ये भी अच्छी है, लेकिन ट्रांसफर हो जाती है, सो इसको मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ। कभी कभी यूज़ कर लो अलग बात है, लेकिन ज़्यादा यूज़ नहीं करती। ऑल राइट, सो ये नेक्स्ट दो लिपस्टिक है, ये कंपनी की है द वन, ये ओरिफ्लेम की शायद कोई कंपनी है। और ये वाली जो लिपस्टिक है इसका शेड है सिल्की रोज। देखो, मैंने इसको बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं किया है, क्योंकि मैंने जब जब इसको यूज़ करना चाहे ना, ये मतलब इसकी कोटिंग बहुत ज़्यादा पतली है, तो मैं इसको नहीं कर पाती हूँ यूज़। लेकिन इसका शेड बहुत ज़्यादा प्यारा है, मतलब इसकी दो तीन कोटिंग आपको करनी पड़ेगी, उसके बाद में आपको ऐसा कुछ मिलेगा। लेकिन ये बहुत ना जैसे एकदम लाइट पिंक कलर का रोज होता है, बिल्कुल वैसा ही इसका शेड है, और अच्छा है। वैसे सच कहूँ तो मैंने आज ही इसको अच्छे से देखा है, आप लोगों की बदौलत, थैंक यू। और सोचूंगी इसको यूज़ करने का, अभी तक मैं इसको ज़्यादा यूज़ नहीं किया। सो इस
इसी में हमारा जो नेक्स्ट शेड है वो है ये, और ये मरूनिश कुछ शेड है, इसका है नाम सॉफ्ट चेरी, और ये अच्छा शेड है। मैं इसको पहले यूज करती थी जब तक शैम्बोर की लिपस्टिक नहीं आई थी। ये भी अच्छा है, ऑब्वियसली दो तीन कोटिंग की जरूरत पड़ेगी। एंड हाँ, ये दोनों ही लिपस्टिक्स जो है हल्की हल्की ट्रांसफर होती है। सो ये है द वन की वन। सो अब मेरे पास जो सबसे ज़्यादा कलेक्शन है वो है शैम्बोर लिपस्टिक्स का। ये कुछ पांच लिपस्टिक्स हैं शैम्बोर की। सो चलिए इनको जल्दी से मैं आपको दिखा देती हूँ, क्योंकि ये मेरे को पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है शैम्बोर के लिप शेड्स। सो फर्स्ट है शैम्बोर का, ये है शेड नंबर 405। जल्दी जल्दी आपको स्वॉच करके दिखा देती हूँ, और वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। देख सकते हो कितना ज़्यादा प्यारा है। मतलब मैं ये बोल सकती हूँ, जब से मैंने शैम्बोर की लिपस्टिक्स यूज़ करना शुरू किया है, मैं हार्डली किसी दूसरी लिपस्टिक की तरफ जाती हूँ। हाँ, ये जो लिपस्टिक्स है मैं शैम्बोर के अलावा यूज़ करती हूँ। हालांकि ट्रांसफरेबल है, लेकिन मैं फिर भी यूज़ करती हूँ। लेकिन शैम्बोर की ये लिपस्टिक्स माइंड ब्लोइंग। अच्छा, शैम्बोर की लिपस्टिक से मेरा जो नाता जुड़ा है वो इनके कारण है, क्योंकि शुभम ने मुझे ये लिपस्टिक्स जो है ये भेजी थी शादी से पहले। सो मुझे तब से ये बहुत ज़्यादा पसंद है। पर्सनली ये भी मुझे बोलते हैं तो एक ही ब्रांड पर है। एंड मैंने सोचा ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा महंगी आती है, 800 समथिंग की आती है, तो और इतने महंगे में। ओके, सो या बहुत ही ज़्यादा प्यारा शेड है, दिस इज शेड नंबर 405। पता नहीं शायद दिख नहीं रहा हूँ। ऑलराइट, सो नेक्स्ट जो शेड है वो है शेड नंबर 483। ये भी शैम्बोर की है, इसको स्वॉच करके देखते हैं। ऑलराइट, ये देखिए बहुत ज़्यादा प्यारा शेड है, बहुत ज़्यादा। इसीलिए मैं बोलती हूँ कि शैम्बोर की लिपस्टिक बहुत ज़्यादा पसंद है। दूसरा कारण ये भी है कि ये जो शैम्बोर की लिपस्टिक्स है ये ट्रांसफ़र नहीं होती है, जो इसलिए मुझे ये भी एक कारण है कि इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। यार, ये बिल्कुल भी ट्रांसफ़र नहीं होती। एक बार आपको इसको थोड़ा सा सेट होने का टाइम देना पड़ता है, लाइक आधा मिनट समथिंग। आई जस्ट लव इट, मुझे शैम्बोर के प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा पसंद है, लिपस्टिक्स तो आई जस्ट लव इट। ऑलराइट, सो उसके बाद में है शैम्बोर की ये लिप शेड 413। सो अच्छा, इसके पास इसमें शैम्बोर में ना मेरे पास ऐसे डार्क लिप शेड्स ही मिलेंगे, क्योंकि आपको पता ही है अब तो कि मुझे डार्क का कितना ज़्यादा क्रेज है। ये वाला इससे थोड़ा सा डार्क है बस, बाकी मुझे नहीं पता मैंने इन दो को सेम को क्यों उठाया, पर अच्छा। सो अब नेक्स्ट सेकंड लास्ट की तरफ चलते हैं, ये है लिप शेड 408। ये भी कुछ वैसा ही शेड है, मैंने पता नहीं सेम क्यों उठा लिया। ये कुछ ऐसा दिखता है, ये इन दोनों से डार्क है थोड़ा सा। मैं बोल रहा हूँ ना, मेरे को ऐसे शेड्स ही ज़्यादा पसंद आते हैं। सो या, और ये सबकी सब ट्रांसफर नहीं होती है, एंड दैट्स व्हाई माय पर्सनल फेवरेट्स। ऑलराइट, सो जो लास्ट लिपस्टिक बची है वो है शैम्बोर की बुलेट लिपस्टिक। सो इसका शेड ऐसा कुछ न्यूड शेड टाइप है। थोड़ा हल्का लग रहा है, प्योर बहुत प्यारा है यार, मैंने इसको यूज़ नहीं किया अभी तक, अभी यूज़ करूँगी। सो या, ये थे मेरे लिप शेड्स के कलर। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को कैसे कौन से पसंद आए, और इनमें से भी अगर कोई लिप शेड आप यूज़ कर रहे हैं तो कमेंट डाउन करके ज़रूर बताना, और उसका रिव्यू भी प्लीज़ देना, तो मुझे भी पता चले। और अगर आप मुझे कोई नई लिपस्टिक सजेस्ट करना चाहते हैं, सो प्लीज़ गो अहेड एंड या दैट्स फॉर इट। सो दैट्स फॉर टुडे, एंड होप टू सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। सो बाय बाय गाइस, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।